सागर ब्रेकिंग। सागर के कैंट थाना अंतर्गत सदर में असामाजिक तत्वों की सक्रियता के चलते महिलाओं एवं बच्चियों के साथ घटित होने वाली घटनाओं के कारण तनावपूर्ण स्थिति। मामले में क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में कैंट थाने का स्थानीय लोगों ने किया घेराव। थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने सहित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई जा रही मांग। एडिशनल एसपी सीएसपी सहित आसपास के थाने की पुलिस ने मोर्चा संभाला। वर्ग विशेष के लोगों के आतंक से परेशान है क्षेत्रवासी। आप देख रहे हैं अथर्व न्यूज की ब्रेकिंग खबर। ऐसा नहीं होता है। सीएसपी साहब भी आ रहे हैं। दस मिनट रुको। ऐसा नहीं होता है। कोई काम के नहीं हुए थे। और क्या मुद्दे को लेके आए थे यहाँ पर? पिछले दिनों में दो चार घटना हुई है। कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर बच्चियों को भी छेड़छाड़ कर रहे हैं और यहाँ पर एक प्रकार से एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं है और वातावरण का, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस संबंध में आज सकारात्मक बैठक कैंट थाना के अंतर्गत हुई। एडिशनल एस पी बच्चे उनसे कहा है कि जो जुआ सट्टा खेलते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह का कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसी तीन चार अभी घटना हुई है। आज कल विश्वकर्मा परिवार के साथ उनकी बच्ची के साथ घटना हुई, उनके साथ मारपीट हुई है। उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। इन सब बातों को लेकर आज चर्चा हुई है। यदि समाधान नहीं होगा तो हम ऊपर स्तर पर इस पर बातचीत करेंगे। ऐसा बेहद संवेदनशील इलाका कहलाया जाता है सदर, इसके बावजूद भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ कोई उचित? देखिए, आज बहुत हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल ने आज संबंध में चर्चा की है और इस बात को कहा है कि और सक्रिय रूप से पुलिस को काम करना चाहिए और ऐसे जो लोग असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जुआ सट्टा शराब और अन्य असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ इस तरह के सघन अभियान चलाकर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कैंट थाना अंतर्गत शास्त्री चौराहे पर कल रात्रि में एक अपराध घटित हुआ था, जिसमें कि अपराध संबंधित करते हुए योजना की जा रही है। इसी सदन में जो है उचित न्याय दिलाने के लिए जो है माननीय विधायक जी साथ में हुआ था, उनके लिए कुछ निर्देश उसमें रहे तो सबको समाहित करते हुए उसमें योजना में जो आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बात निकल के सामने आ रही है कि जो थाना अंतर्गत क्षेत्र है उसमें पर्याप्त दर्शन नहीं दिए और एक असामाजिक तत्वों का लग हमेशा यहाँ पर रहा रहता है, तो फिर खाने जैसी घटनाएं लगातार घट रही थी, इसकी रोकथाम के लिए क्या देखिए? ये विषय सामने लाया गया कि यहाँ अभी पेट्रोलिंग और तेज करने की आवश्यकता है। साथ ही कुछ ऐसे बिंदु बताए गए कि वहाँ पर सिक्स पॉइंट लगाए जाने की जरूरत है। उसको एक रिव्यू करते हुए अभी आज हम लोग इसके बाद बैठेंगे और क्षेत्र की रिव्यू करेंगे कहाँ और क्या पॉइंट लगाए जाने की आवश्यकता है और पेट्रोलिंग को और किस तरह मॉडिफाई किया जिससे कि और अधिक पुलिस को इसकी सहायता हो। इसको हम लोग आज से एक नई जो है पेट्रोलिंग के लिए नया प्लान आज जारी करेंगे और ये देखेंगे कहाँ पे इस पॉइंट को कहाँ पे मतलब मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, किन जगहों पर इसको इस्तेमाल करना है, ये हम लोग।